और ये रहा व्यू, माय गुडनेस। बाकी कहते हैं ना कि अच्छी जगह जाने के लिए कहीं से गुजरना पड़ता है, तो अरे अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे मतलब देखने के लिए मन कर रहा है कहाँ कुछ कहेंगे। चलिए आप भी थोड़े सनसेट के व्यू को चेक कीजिए, हम भी करते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल और वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज किस्सा कुछ ऐसा है कि आज थोड़ा ठंड भी काफ़ी अच्छी हुई है और सनसेट भी हल्का हल्का है, मैं शाम का टाइम हुआ पड़ा है और मैं यहाँ पे एक कालिम्पोंग के अंदर एक छोटा सा व्यू पॉइंट है वहाँ पे हूँ अभी। और फिलहाल एक यहाँ से एक और व्यू पॉइंट है, इसको बोलते हैं दुर्पिन व्यू पॉइंट, तो आज मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो आज मेरे साथ है राइडर विवेक, तो विवेक के साथ हम करेंगे आगे की जर्नी पूरी टूवर्ड्स दुर्पिन व्यू पॉइंट। तो आप बने रहो वीडियो में। और आज हमारी धन्नो यानी कि हमारी सुजुकी के साथ हम जाएंगे दुर्पिन व्यू पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइक 3 2 1 एंड गो। तो अभी व्यू पॉइंट से पहले कुछ शॉप वगैरह पड़ती है यहाँ पे, हम थोड़ा मतलब थोड़े चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए वहाँ के लिए। तो अब ठंड लग रही है ना, ठंड है मतलब धूप निकली पर लेकिन हवा चल रही, ठंड है। तो अब चलो चलते आगे की तरफ, चले सर ना, चलो। सो फाइनली अब यहाँ पे दुर्पिन व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं और बाकी ठंडा मौसम बहुत है, दो चार लोग आए हुए हैं ऑलरेडी व्यू देखने के लिए और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है ताकि आप लोग वहाँ पे आओ और अच्छी तरीके से बैठ के व्यू को इन्जॉय करो। इसको दुर्पिन व्यू पॉइंट भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी। अगर यहाँ पर मौसम क्लियर होता तो यहाँ से कंचनजंगा के माउंटेंस काफ़ी अच्छी तरीके से देखते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और फिर थोड़े यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली मतलब काफ़ी मेरे को तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जो व्यू पॉइंट है अभी ये पूरा फॉगी फॉग हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे पूरा माउंटेन कवर है फॉग से, तो और हवा भी चल रही है तो काफ़ी अच्छा है। तो जो व्यू है और सन है, अभी सनसेट का टाइम है, तो अभी हम वो आपको नीचे रास्ता दिख रहा होगा अभी वहाँ। ये जो आपको ये रास्ता है, अभी हमें यहाँ से जाना है, यहाँ से अभी ये रोड यहाँ से जाएगी, यहाँ से हमें जाना है नीचे की तरफ और हमें उस वाले व्यू पॉइंट पर जाना है नीचे की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है कि नीचे जाके हम करेंगे एक सनसेट को देखेंगे। बाकी विवेक से पूछते हैं कैसा लगा, तो आता रहता है यहाँ पे, बता। बढ़िया है भाई जगह, इसलिए तो आता रहता हूँ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब ठीक है, यहाँ तो बस यही था, देख सकते हो थोड़ा बहुत है, बैठने की सीटिंग एरिया काफ़ी अच्छी थी। तो अब चलते हैं नीचे और नीचे सनसेट देखते हैं, ठीक है, चलो लेट्स गो, चले भाई। तो फाइनली आ चुके हैं अपने सनसेट के जगह पे और बाइक खड़ी हुई है, ये एकदम टूरिस्ट स्पॉट है दुर्पिन डाड़ा। और यहाँ पे जो बाइक वगैरह देख सकते हो यहाँ पे आए हुए, ये रहा विवेक हमारा। जैसे कि अभी हाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और पूरा फॉग हो रहा है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि मतलब लोग बाग आए हुए थे यहाँ पे व्यू को एंजॉय करने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से, नीचे कच्चा रास्ता है तो वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है तो वहाँ चलते हैं। बाकी कहते हैं ना कि अच्छी जगह जाने के लिए कहीं से गुजरना पड़ता है, तो अरे अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे दा 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 दा, अरे 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 Sometimes you need to go take a step back to see the truth around you from a distance you can tell
सो गाइस अभी हमें टॉप ऑफ द हिल देख सकते हो, हवा चल रही है अच्छी खासी, ठंड भी लग रही है और पीछे मतलब आप देख सकते हो कि हेलमेट अगर नीचे जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। काफी ज्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे। 27 मील का डैम है ना, वहाँ पे वो डैम है, अभी दिखेगा नहीं यहाँ से। और बाकी क्लाउड पूरा यहाँ से अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सनसेट होने वाला, तो वो भी अच्छी है, बात है हो रही है धीरे धीरे। और बाकी कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, मतलब देखने के लिए मन कर रहा है, कहाँ कुछ कहेंगे। चलिए आप भी थोड़े सनसेट के व्यू को चेक कीजिए, हम भी करते हैं। तो अब कुदरत का नजारा ऐसा है कि अभी सनसेट खत्म हुआ है और पीछे देख सकते हो यहाँ पे चांद निकल गया है, तो मतलब इतना बढ़िया लग रहा है, मतलब कुदरत का अजूबा ही कह सकते हो इसको। सो गाइज, आई होप आपको ये दुर्पिन डाड़ा का व्यू अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपको ये व्यू कैसा लगा। और अगर चैनल पे आए तो गाइज क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ देखो, ठंड में लड़का बोल नहीं पाया, इतनी मेहनत लगी है, ठंड बहुत अच्छे तरीके से लग रही है। और जब तक आप ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉगिंग हंग, तो मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में। Till then, I'll see you in next vlog.